क्यों नहीं लगे हैं स्टीव जॉब्स की गाड़ी पर नंबर, और ऑस्कर जैसी चीज़ को क्यों रख दिया इन्होंने अपने बाथरूम में? कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा? और हाँ, कितनी है नासा के इंटरनेट की स्पीड? देखेंगे आप इस वीडियो में ऐसे ही कुछ फैक्ट्स। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बैठ जाइए अपना फ़ोन लेकर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्या आप लोगों को पता है कि भारत में जो सबसे पहला आधार कार्ड बना था वो किसका बना था? तो वो किसी मेल का नहीं बना था, वो एक फीमेल का बना था, जो कि उनका नाम था रंजना सोनेवने। इनका आधार कार्ड जो है पहला वो बना था 29 सितंबर 2010 में। तो तभी से लगता है आधार कार्ड शुरू हुए थे। नासा ने 11 बहरे लोगों को हायर किया था ताकि वो स्टडी कर सके कि बाहर जाने पर, मतलब बाहर आउटर स्पेस वगैरह, ग्रेविटी कैसी होती है। तो उसके लिए उन्होंने इन्हें इसलिए चूज़ किया क्योंकि इनके कान ख़राब थे और इनके अंदर जो मोशन सिकनेस वाला जो इंद्री होती है वो ख़राब है, तो इनको वो ज़्यादा फील ना होगा। और एप्पल कंपनी के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, उनकी कार पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं लगी क्योंकि वो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर रूल है, अगर आपने नई गाड़ी ख़रीदी है तो आप उस पर 6 महीने तक बिना नंबर प्लेट के चला सकते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए स्टीव जॉब्स ने उस पर नंबर नहीं पढ़वाए और हर 6 महीने पर अपनी कार बदल लिया करते थे, जिस कारण उन्हें कभी ऐसी गाड़ी चलाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा जिसके ऊपर नंबर पड़े हों और उन्हें कोई ट्रैक कर सके। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अरबपतियों की गिनती है वो है लंदन शहर में, जिसमें कि 86 अरबपति हैं, जो कि दुनिया के किसी भी देश से बहुत ही कुछ ज़्यादा हैं। 86 अरबपति हैं तो वो पहले ही बहुत अमीर देश बन जाएगा ऐसे। काश हम लोग भी अरबपति होते। अगर आपको ऐसे वक्त में इंटरनेट से हटा दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि आप इंटरनेट नहीं चला सकते कुछ दिनों तक, तो आपकी हालत बहुत अजीब और ऐसी हो जाएगी। लेकिन एक देश है वर्मा देश, जहाँ पर इंटरनेट चलाना कानूनन अपराध है और इसी कारण वहाँ पर कोई इंटरनेट नहीं चला सकता और उसे पकड़े जाने पर उसे सज़ा होती है। तो अगर आप ऐसे देश में होते तो शायद आपको ये पबजी ऐसी चीज़ खेलने को मिलती ही नहीं। आपको पता तो है ही कि दुनिया में, हमारी पृथ्वी पर कितने पौधे हैं, लेकिन क्या आपको उसमें पता है कि 85% जो पौधे हैं वो सारे सिर्फ समुद्र में हैं? समुद्र के बाहर सिर्फ कुछ 25% लगभग पौधे हैं, तो आधी से ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा प्रजातियाँ सिर्फ समुद्र में ही हैं। अगर आपके घर पर भी लोग आपको चिल्लाते हैं अगर आप ज़्यादा सोते हैं, तो आप उनको ये बात बता सकते हैं कि ज़्यादा सोना बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा सोने से हमारी जो याददाश्त होती है वो अच्छी रहती है और थकना कम हो जाता है और शरीर में फुर्ती आती है, तो सोने के लिए भी बहुत ज़रूरी है दिन। तो इसीलिए हमें कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए दिन में, मतलब लेनी तो रात में चाहिए लेकिन 24 घंटों में से 8 घंटे करीब सोना चाहिए। आजकल लोगों को फास्ट फूड खाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसमें जो पिज़्ज़ा होता है वो भी लोगों को बहुत पसंद है। तो लेकिन आप लोग कितना बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं या लेते हैं? जब भी आप लेते हैं लगभग ऐसे नॉर्मल साइज़ का पिज़्ज़ा लेते होंगे, लेकिन रोम में बना ये पिज़्ज़ा ओटाविया 1261.65 वर्ग मीटर, ये जो कि बहुत ही बड़ा है, ये एक प्लेग्राउंड जितना बड़ा पिज़्ज़ा है। तो इतना बड़ा पिज़्ज़ा पूरे शहर का पेट भर सकता है और इस पिज़्ज़ा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था सबसे बड़े पिज़्ज़े का। अगर किसी इंसान से कहा जाए कि उसे दौड़ना है और लगातार दौड़ना है, तो वो कितनी देर तक दौड़ सकेगा? मैं ये तो नहीं बता सकता कितनी देर, लेकिन कुछ देर में ही अगर आपसे कहा जाए तो आप 15-20 मिनट में ही ऐसे हो जाएंगे। लेकिन एक आदमी है जिसका नाम है डीन कार्नेज़, ये वह इंसान है जिसने बिना थके 2005 में 80 घंटे 44 मिनट तक दौड़कर 560 किलोमीटर का सफ़र तय कर दिया था। और ये रुके नहीं थे और इसीलिए इनका बहुत ही जानदार पैर है लगता है। आप ये जो महिला देख रहे हैं, इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में गर्भधारण कर लिया था और लोगों ने इनसे बहुत कहा कि गर्भपात करा दें, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। और लेकिन बाद में जो वो बच्चा हुआ तो वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो बच्चा बड़े होकर जस्टिन बीबर बना। तो ये एक अलग ही इंसिडेंट रहा इनके लिए। सीईओ मार्कलिन ने अपनी कंपनी के एक कर्मचारी को उसकी समर्पण की भावना को देखते हुए उसको अपनी एक कार गिफ्ट में दे दी, क्योंकि वो कर्मचारी खैर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल था लगता है। तूफान के वक्त उस कर्मचारी का घर और कार दोनों चीज़ें नष्ट हो गई थी और वो 32 किलोमीटर अपने घर से दूर सिर्फ जॉब करने के लिए इनके पास आया था, जो कि तूफान के बाद ऐसी हालातों में आना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो आए, इसीलिए उनको उन्होंने कार गिफ्ट में दे दी। और एक अनोखी घटना, साल 2008 में नॉर्थ अमेरिका में एक आदमी ने
प्राइवेट बैंक को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो बैंक में गया तो बैंक का लॉकर खोला और वो उसको खाली मिला। और इसका नज़ारा देखकर वो चोर बैंक में बहुत गुस्सा हुआ और बैंक मैनेजर पर केस कर दिया कि यह बोलकर उसने बैंक में लूटने के लिए उसको पैसे नहीं मिले और इसी में बैंक की गलती है, इसीलिए बैंक को मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसा कर कर उसने केस कर दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चोर था, वो जो डकैत था, लगता है कुछ अलग ही पी का टल्ली था वो। ज्वालामुखी को देखकर आपको लगता होगा ये हर वक्त फटते रहते हैं, लेकिन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 200 कुछ किलोमीटर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बहुत ही अलग रास्ता बता दिया, लेकिन यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का एक ज्वालामुखी सिर्फ 28 मई 2005 में फटा था और तब से इसका लावा निकल रहा है, और ये भारत का सिर्फ एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है। हम तो यहाँ पर जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें ज़्यादातर बार फ़ोन को पीटना पड़ता है, लेकिन नासा के इंटरनेट की गति आपको पता है कितनी है? आपको लगेगा कुछ MB की होगी, 100-150, लेकिन नहीं, 91 GB/s की, जो कि आपके इंटरनेट की गति से लगभग 13,300 गुना है। तो ये बहुत ज़्यादा घटती है। अगर इतनी गति हमारे में मिलती तो मूवी डाउनलोड करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन अभी तो घंटों लग जाते हैं। जापान में हर दिन 4 भूकंप लगभग आ जाते हैं तथा एक साल में औसतन 1500 के करीब भूकंप आ जाते हैं। इसके बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। तो बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। यहाँ इंडिया में तो 1-2 भूकंप भी आ जाए अगर साल में, तो लगता है कितना बड़ा हाहाकार मच गया है। पता नहीं कैसे झेलते होंगे इतना सब। हम जो ज़मीन पर खड़े हैं, अगर उसके केंद्र को हम केंद्र की तरफ बढ़ें तो लगभग 4000 मील नीचे जाना पड़ेगा, तब हमें उसका केंद्र मिलेगा। हमारे पैरों से 3 या 4 हज़ार मील नीचे है, मतलब 4000 मील नीचे है वो। 3000 तो स्टाइल में बोल दिया। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोर्ड गेम यानी कि लूडो, चेस या ऐसे ही जो गेम होते हैं बोर्ड गेम, सबसे ज़्यादा कहाँ बिकते हैं? तो आपको लगेगा इंडिया में बहुत लूडो खेलते हैं लोग, गली गली में लूडो है और लूडो वेब सीरीज़, लेकिन जर्मनी में बिकते हैं सबसे ज़्यादा। तो जर्मनी में पता नहीं क्यों इतना खेलना पसंद करते हैं, मज़ा आता होगा। आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर चले हैं, आपको इंग्लिश भाषा सुनने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश जो है वो दुनिया की सभी एयरलाइंस के लिए आधिकारिक रूप से, मतलब आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो आपको इंग्लिश इसीलिए ज़्यादा सीखनी भी चाहिए, और बहुत लेकिन सीखे हुए हैं, हमें सब पता है कि हम लोग भी कितने बहुत बड़े अंग्रेज़ हैं। कुछ नहीं आता। तमिलनाडु के एक गाँव में एक कुत्ता है जो कि 8 साल का है, जिसका नाम मणि है, और वो रोज़ाना अपने मालिक का काम में मदद करता है। एक छोटी सी गाड़ी है, आप देख लीजिए ये वाली गाड़ी, जिसमें 15 लीटर दूध पूरे गाँव में बांटता है और उसमें मदद करता है अपने मालिक के काम में। तो कुत्ता बहुत वफादार होता है, इससे पता चलता है, ये भी एक मिसाल है। आपने मशहूर फिल्म टाइटैनिक तो ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी तो नाम तो सुना ही होगा। उसमें आपने ये अभिनेत्री देखी होंगी, केट विंसलेट। तो इनको जो ऑस्कर मिला था, इन्होंने वो अपने कमरे में छोड़कर अपने बाथरूम में रख दिया, और इन्होंने वो बाथरूम में इसलिए रख दिया ताकि मेहमान बिना शर्माए अपने आप को एक्टर समझकर उस ऑस्कर को उठा सके और स्टाइल मार सके। तो बाहर उन्हें अजीब लगेगा, इसलिए उन्होंने बाथरूम में रख दिया, मज़े ले सकें वो लोग भी। तो ख़त्म करते हैं वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बेकार भी लगी हो वीडियो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ में क्या अजीब लगा और क्या बुरा, जिस बारे बस 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 सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, नहीं किया है अगर अभी तो कर दीजिए।